आपकी सिफारिश के ऊपर और पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी और अभी 15 दिन पहले मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की मैंने कार्यकारिणी जाहिर किया और आज सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। 4 कार्य अध्यक्ष बनाया और आज वो लोग भी यहां पर उपस्थित है और सभी समाज सभी धर्म को साथ में लेके चलने का काम मैं कर रहा हूं। उसके बाद हमारा मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष और 2 कार्य अध्यक्ष हमने बनाए और आज वो लोग उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर हो गई और वो भी कामकाज आज पक्ष को बढ़ाने के लिए शहर के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। सेवा दल के अध्यक्ष और उनके साथ कार्य अध्यक्ष को बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी हमने जाहिर किया, उनको भी पद वगैरह सब हमने सभी समाज सभी धर्म के लोगों को दिया। अल्पसंख्या विभाग के चेयरमैन और उनके कार्य अध्यक्ष हमने बनाए। इसी तरीके से महिला अध्यक्ष और 2 कार्य अध्यक्ष बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर कर दी गई। हमने 5 ब्लॉक अध्यक्ष मालेगांव शहर राष्ट्रवादी के बनाए और अलग अलग सेल के जो हमारे सभी सेल है राष्ट्रवादी के वो सेल के भी अध्यक्ष के लिए नियुक्ति हमारी अभी शुरू है और ये आज जो हमने ये कार्यक्रम लिया आपके आदेश के ऊपर सिर्फ कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों को ही हमने यहाँ पर आज बुलाया है, आम जनता को हमने नहीं बुलाया क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसके लिए ज़्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि इन 4 महीनों के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर हमने इतना मजबूत करने का काम किया है कि अभी पिछले शुक्रवार को 17 तारीख को एक सभा मालेगांव के अंदर हमने लिया, उस सभा के अंदर 15,000 लोग शहर के लोग जमा हुए थे, 15,000 लोग। इससे अंदाजा हो रहा है कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कितना मजबूत मालेगांव शहर के अंदर हो रहा है और हमारे जितने विरोधक है मालेगांव शहर के अंदर वो सभी विरोधी पक्ष को अब एकत्र होकर एक महागठबंधन बनाकर महाआघाड़ी बनाकर महानगर पालिका के अंदर हमारे सामने उतरने के लिए हमारा मुकाबला करने के लिए विचार शुरू है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महानगर पालिका और विधानसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारे बिगर यहाँ पर किसकी सत्ता भी नहीं बैठ सकती। विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य भी हम हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का ला सकते और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले महानगर पालिका के निवडणुक में चुनाव के अंदर महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापुर हम बैठा कर ही हम सब कार्यकर्ता बन लेंगे, ये विश्वास मैं आज आपको दिलाता हूँ। साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि मालेगांव शहर के रोड रास्ते बहुत खराब हो गए, बारिश के वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए और इसके लिए हम शासन पाठ पुरावा हमने नगर विकास विभाग के अंदर भी किया, एक प्रपोजल हमने वहां पर सबमिट किया, अजीत दादा पवार साहब ने भी उसको हमको आश्वासन दिया है कि जब भी नगर विकास की नीति रिलीज की जाएगी तो मालेगांव शहर के रोड रास्ते के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि DPDC के अंदर जिला निविजन समिति के अंदर आप मालेगांव शहर के लिए नगर उद्यान हो या और निधि की, आपने इससे पहले भी 5.5 करोड़ रुपया हमको दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने दलित बस्ती के अंदर हमको 2 कोटी रुपए दिया, हम आपका आभार, 14 कोटी रुपया पूरे मालेगांव मध्य और बाह्य के अंदर आपने दिया और 5.5 कोटी नगर उद्यान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपसे एक विनती करता हूं कि रोड रास्ते के लिए अगर हमको इलेक्शन से पहले पैसा मिल गया तो हम जो रोड खराब है रास्ते खराब हम उसको बनाने का जरूर प्रयत्न करेंगे। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपका फिर एक मरतबा स्वागत करता हूँ और ज़रूर आपके नेतृत्व के अंदर
नासिक जिले के अंदर राष्ट्रवादी मजबूत हो रही और आपके ही नेतृत्व के अंदर जरूर हम मालेगांव शहर के अंदर भी राष्ट्रवादी को मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय शरद पवार साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और मेरे शब्द को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। माजी भूतपूर्व आमदार असित शेख, जिलाध्यक्ष रविंद्र पवार जी, राजेंद्र भोसले यूसुफ हाजी, रिजाज उमर शहीद रोशनवाला सुफी अनीस, शकील जानी पे आनंद भोसले रियाजरी मनमोहन शिवाले नदीम फड़े, मुझे बहुत देर हुई या आ गए क्योंकि दो तीन दिन से जलगांव धुलिया ये सब जो है दौरा शुरू है और वहां से जो है धुलिया जब आया तो दूसरा एक जो है गुरुजनों का जो है हमारे शिक्षक है टीचर है उनका प्रोग्राम था तो वहां भी तो भाषण चलते हैं वजन कहा जाए तो जल्दी होता है उनका तो गुरुजी शिक्षक कभी बोलना है तो 45 मिनट का तो पीरियड होता है ना, उससे कम तो जो है नहीं होता, फिर भी जो है जल्दी निपट मैंने की कोशिश तो नो निकली। अब ये जो है कुछ कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, यासीन शेख जी जब मुलाकात हुई इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था ना, और महीना डेढ़ महीना तक चला था, हम भी पेपर में पढ़ रहे थे वो यहाँ जाएंगे वो वहां जाएंगे वो वहां जाएंगे वो वहां जाएंगे, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी है अब कहीं तो भी वो जाना है क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है सोशल वर्कर है वो घर में तो नहीं बैठेगा, वो तो बाहर आएगा। तो सोच रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं और फिर किसी ने मुलाकात कर उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पसंद है, मैं बोला देखो भाई राष्ट्रवादी के कुछ नियम है कसूर था पसंद है बिल्कुल पसंद है। राष्ट्रवादी के नेता जी शरद पवार साहब बिल्कुल पसंद क्या हमने कहा आइए और इस तरह जो है ये राष्ट्रवादी में आए और इनके हिम्मत इनकी ताकत को देखते हुए तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इनको अध्यक्ष की और मैं बड़ा खुश हूं आनंद हूं क्योंकि उसके बाद कई सारे जो है मीटिंग हुई 10,000 15,000 5,000 और आजकल क्या तुम्हारे हमारे हर आदमी के किसी में वो मोबाइल जो है अब ये फटाफट फटाफट मोबाइल का काम चालू है इसी वक्त जो है मुंबई में वो लेकर आए कि क्या क्या होता और कौन क्या बोल रहा बीजेपी वाले तो सुनते ही होंगे मगर बाकी के लोग भी सुनते हैं क्या हो रहा तो तुरंत मालूम पड़ता था। आशीष जी को बहुत बड़े पैमाना पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और काम तो करना चाहिए, जब काम नहीं होगा देखिए किसी के दर्द भी जो है अगर आप काम मिलते हैं तो कभी भूलता नहीं है, बाकी तो ठीक है दर्द जो है आज जो समाज में जो है काफी दर्द है किसी न किसी ढंग का दर्द है भाई उस लोगों के साथ हम तो जाना है उनका दर्द दुख जो है दूर करना है। किसी ने कहा है
साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत है। अब ये जो है शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सारे लोग, मैं तो महात्मा फुले, शाहू अम्बेडकर इनका फॉलोअर हूं, और महात्मा ज्योतिराव फुले तो हमें क्या यही बोलते थे कि सारी मनुष्य जाति एक है, कोई इसको भगवान मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, मगर जिसने निर्माण किया इस सृष्टि को वो कोई एक है, जिसको मैं निर्मित देता हूं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि उसने जिस निर्मित ने जो बना, ना किसी को छोटा बनाया, ना किसी को बड़ा बनाया, ना किसी को अछूत बनाया, ना किसी को ऊंचे वर्ग का बनाया, ना किसी को ये नहीं समझा जिसने बनाया कि स्त्री जो है उनके हक कम है और जो पुरुष है उनके हक ज्यादा है, नहीं रहेगा। सारी प्रजा हमारी है, स्त्री है, पुरुष है, और इसलिए जो है शिक्षा का अधिकार सबका है, नौकरियों का अधिकार सबका है, पानी पे अधिकार सबका है, और राष्ट्रीय संपत्ति पर अधिकार सबका है। फिर भी लड़ रहे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल चल रहा है, अभी भी लोग फंस रहे हैं। ये ठीक है, थोड़ी सरकार आवे अच्छा काम करे, मैं ये समझता हूं कि कोरोना काल में तकलीफ भी काफी है, हमको भी तकलीफ है, उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, क्या ये भी आपको पता कि कोरोना काल में जो है सारा लॉकडाउन तुम्हारा यहाँ पे कितना है, हम तो इतने डर गए थे देश में प्रधान, हमने जो ऐसा करने क्या हमने कलेक्टर को बोले भागो उधर बंदे आकर गया, और एक हमारे पूरी उन सबका मैं धन्यवाद था। और फिर मालेगांव का क्या कहता है, वो मालेगांव का वो दुनिया भर में पेपर शो हो रहा है, प्रदेश के लोग बोल रहे हैं मालेगांव का हमने भी लिया, मगर हर आदमी कोशिश करता था कि लोगों को पता, तो काढ़ा बढ़ाने वाले भी जो थे वो ये तो नहीं सोच रहे थे कि हम मुसलमान है तो मुसलमानों को काढ़ा मिलेगा और हिंदुओं को काढ़ा नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ, हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को दिया, और काढ़ा भी ऐसा था उसने ये नहीं देखा कि मुसलमान ठीक होगा और हिंदू ठीक नहीं होगा, वो तो बोला कि मेरा काम सारे मनुष्य जाति को जिंदा रखना, तो जिन्होंने वो बनाया उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और आज के हालात में कोरोना के बारे में सारे गाँव में अच्छे तरीके से अभी फिर से कुछ शुरुआत हो गई है, हमने कहा कोई सवाल हो मगर बहुत अच्छी तरीके से, बस कई लोग जो है नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हमारे जो सोशल वर्कर्स है, मोबाइल साहब जैसे लोग हैं, हमारे पुलिस कर्मी 150 से ज्यादा जरूरत है गुजर गए करना के काम करते हुए, जो ये करो वो करो वो करो, रास्ते से काम करो,
सब लोग लड़ रहे हैं। बताओ तो ये तो सही बात है भाई, इस कोरोना के जो है सारे दुनिया को एक जगह पे लाके रख दिया, टाटा हो या बिरला या झोपड़पट्टी वाला, इंडिया हो या पाकिस्तान या लंदन वाला, कोरोना ने बोला कि कोई नहीं भाई, सब मेरे लिए तो सब। और सब लोग होटल में काम पे हैं, तब सबको पता चला कि वैक्सीन कुछ देखता नहीं है हिंदू एवं मुसलमान, कोरोना भी देखता है ना, वो डॉक्टर देखता है हिंदू एवं मुसलमान, ना वो नर्स देखते हैं हिंदू एवं मुसलमान। बस इंसान को बचाना नहीं देखता, ना सोचते उन सबको सलाम करता कि उन्होंने बहुत बड़ी। इसलिए मैं कहता हूं गरीबों की सेवा करो, बार बार जैसे गमे हो इसी का नाम होता है तो नाम चुके ऐसा काम करो कि लोग जो है आपको याद रखते, ऐसा काम जाने के बाद ना तो पैसा तो सभी कमाते हैं भाई, देर चाहता तो पैसा कमाते क्या है, अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामा सौ बसर रहेगा, बचेगा तो बचेगा वही जो काम, जो काम तुम करेगा वो नाम पीछे रहेगा। तो बोलेगा कोई चलिया था गया, और कोई गरीब तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसका नाम शरद पवार साहब यही कह दिया है। आपस में झगड़ा काम हिंदू मुसलमान सब एक है, स्त्री पुरुष एक है, और इसीलिए सावित्री भाई फुले ने जो है और हमारी फातिमा सावित्री भाई फुले के साथ उन्होंने काम किया, लड़कियों को शिक्षा दे देना, पत्थर का है टीचर पे के पास दोनों सावित्री भाई और फातिमा दोनों ने जो है सिखाने का काम किया, और आज हमारी लड़कियां देख रही है डॉक्टर बन रही है पदाधिकारी युवा, और मेरे सामने बैठे हुए तमामी सेल के तमामी पदाधिकारी दोस्तों और साथियों, वक्त बहुत हो गया है। शहर जिला राष्ट्रवादी के चारों कार्य अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, अल्पसंख्या चलो करीम भाई जल्दी से आप लोग, वो भी स्वागत कर रहे हैं। मालेगांव शहर के नौजवानों को, मालेगांव शहर के लोगों को उनको जरूरत नहीं है, ये आपको बताना है। और जहां तक एक पार्टी है भी अपनी पार्टी लेके चले जा रहे चाहे वाले भाई, उनको भी डर लग रहा है, उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद के जलसा देख करके उनको भी डर लग रहा है कि भाई हमारे भी चाहे वाले भाई कहीं चारा लेके ना भाग जाए, तो वो भी अपनी बचाव के लिए यानी हाथ पांव मार रहे। और हा सवाल तीसरा महाराज और मुतहदा महाराज और क्या क्या ना जाने, अल्लाह रहम करे मालेगांव के लोगों के ऊपर। ये हजरत के ताल्लुक से तो ये बोलना है भाई कि जज्बाती तकरीर करके लोगों को बेवकूफ बना करके इन्होंने अब मालेगांव शहर को बर्बाद करके रख चुका है। मैं भागा नहीं है,
ज्यादा नहीं, अभी मैदान में हूँ और हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने मिनिस्टरों के जरिए समझ लिया, हुकूमत समझने चलाने वालों ने हमको पूरा पूरा भरोसा दिलाया कि शेख आसिफ साहब मशरूत तरीके से हमारे साथ में है, मालेगांव शहर के विकास की शर्त रखकर हमारे साथ में है, उनके कामकाज के ताल्लुक से वो तमाम बातें मनवाकर हमारे साथ में है। दूसरे सरी नहीं कि पहले मैं मालेगांव शहर के तानिशोरों मैं बहुत हैरान हूँ कि यहाँ का पढ़ा लिखा तबका, यहाँ के मीनारों वाला शहर, मस्जिदों मदरसों वाले शहर, समझदार बाशूर शहर, पांच साल हमेशा बेदार रहना सियासी बेदारी वाले शहर में कैसे क्या एक आदमी इनको बोलते राष्ट्रवादी में चले गए, आप किस में हो मुझे बताओ, आज मुझे बताओ किस में हो आप महागाड़ी के कॉर्पोरेशन में जो गढ़ बने उसके सदर हो, गिरने वाले हैं, हम सब एक है, ये हमारा देश महान है, हमारा भारत देश महान है, यहाँ पर न कोई जाति न जमाती, राष्ट्रवादी का ये ऐलान है, दखल से माने सब जारी है सारी है, आप अपनी तकलीफ ना पैदा करें और ना कोई बदनसीब पैदा करें, आराम के साथ बैठे रहे, बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा जो कुर्सी का इत्मीनान के साथ बैठे, उसके लिए मैं हमारे मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि मंत्री महोदय साहब का स्वागत।